फिल्मों को लेके आप चार पांच साल से सफर रहा है। इस बार मैं कुछ फिल्में देख नहीं पाया क्योंकि मैं काम में मसरूफ था, काम में बहुत मसरूफ था तो देख नहीं पाया, लेकिन मैं जूरी में हूँ डिमेंशन शॉर्ट फिल्म के जूरी में हूँ, तो मैंने बहुत सारी अच्छी फिल्में शॉर्ट फिल्म देखी और मैंने तिथि देखी जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, राम कौर पेडलर्स, बहुत अच्छी अच्छी इंडियन फिल्म देखी मैंने इस बार। क्या फर्क पा रहे हैं साल दर साल जिस तरह से मामी एक एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है? देखिए इस साल मामी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, बहुत ही इंटरनेशनल फेस्टिवल के तौर पे जैसे कैन में मैं देखा हूँ जैसे होता है, वैसे यहाँ ऑपरेशनली बहुत ही सुपीरियर मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पे आज तो। और फिल्में भी इस बार मैंने देखा कि ज़्यादातर फोकस इंडियन फिल्म्स पे भी वापस आया है, जो बहुत बहुत अच्छा है कि हम लोग इंटरनेशनल फिल्में भी उतनी अच्छी दिखा रहे हैं जितनी इंडियन फिल्में दिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक क्रिएटिविटी पे एक तरह का हमला बढ़ा है हाल फिलहाल और देख रहे हैं फिल्म मेकर्स अवार्ड्स लौट आ रहे हैं, इसके अलावा एक तरह से इनटॉलरेंस का जिक्र छिड़ पड़ा है जी। एक क्रिएटिव व्यक्ति होने के नाते आप पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए डेफिनेटली इनटॉलरेंस तो है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इस बात को पॉलिटिकली इतना मोटिवेट करना वो मेरे ख्याल से गलत है, लेकिन लोग जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो लिटरेचर गुरुज हैं, वो सारे अपने अवार्ड्स रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज दे वांट पीपल टू नो दैट वी नीड टू टेक अ स्टैंड ऑन समथिंग, एंड ये अच्छा हो रहा है कि सब लोग मिलके कर रहे हैं, शायद कुछ चेंज आए। हाँ बताइए। जी 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 वो बहुत अच्छा है कि उन्होंने किया, क्योंकि देखिए वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, अगर वो इस बात को, इस मुद्दे को छेड़ते हैं तो डेफिनेटली एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है लोगों में, एक चैम्पियनिंग हो जाता है, तो वो एक अच्छी बात है कि उन्होंने बात कही और मन में झिझक नहीं रखी, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स कतराते हैं अपनी इमेज को बरकरार रखने के चलते, वो लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा कुछ वो बोले नहीं, लेकिन सीरियसली सैल्यूट टू SRK टू हैव सेड दिस। आप कह रहे थे काम में मसरूफ है, क्या अब मसान के बाद? नहीं, नेक्स्ट मसान के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में घुसने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एक एड फिल्म कर रहा हूँ, एक दो प्रोजेक्ट्स में वो कर रहा हूँ, तो लिखने का जो सफ़र है वो एक साल लंबा हो जाएगा, तो अभी देखें कहाँ तक जाते हैं। हाँ मसान इफी में भी दिखाई जाएगी, तो वो बहुत खुशी की बात है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज होता है इस चीज़, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। थैंक यू। Thank you.